सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो चैनल पंजाबी टेलीविजन ते मैं जस्सी बड़ैच। दोस्तों अज साडे नाल कैंट गभरू रॉक स्टार कह लिए गुरनजर भाई। भाई बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सो मच और सारयां नूं सत श्री अकाल। थैंक यू। जिद्दां कह लिए ना बड़े कैंट लुक दे विच अज आए हो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कैजुअली आया, मैनूं अज इनवाइट किया गया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक चंडीगढ़ च पहली बार हॉर शो हो रहा, तो मेरे फ्रेंड ने मैनूं स्पैशली सद्या इत्थे अलंकृता। शी वॉन्टिड मी टू कम और मैं आप भी देखना चाहता सी, क्योंकि मैं कदे हॉर शोज़ देखे ही नहीं है, कदे कंपीटिशन्स नहीं देखे। मैं हमेशा टीवी च देखिया सी, फिल्मां च देखिया सीगा। मैनूं सीगा अज जे अज देखण नूं मौका मिलदा जाना चाहिए। मैं भी उही सवाल पुछना चाहता, कहते जो गिटार बजाते हैं बड़े रोमांटिक जे होंगे मुंडे, सो ये खेड नाल मतलब मैं लगता नहीं ज्यादा तो लगा होगा, मतलब फिर भी तुम्हें कितना लगता? मैं खेड़ा ही होंदा सी जी पहला। अच्छा। गिटार प्ले करन तो पहला मैं भी खेड़ा सी, मैं स्केटिंग करता हूँ सी कुरुक्षेत्र हरियाणे तो, और सिंगिंग तो मेरी बाद शुरू हुई। हाँ जी, उदू पहला जे मैं अज सिंगिंग ना करता हूँ फिर मैं कोच ही होना सी। क्या बात। हाँ जी, मैं जब भी हॉर्स राइडिंग, हाँ नहीं हॉर्स राइडिंग नहीं की, मैं स्केटिंग की। तो जद भी मैं प्लस टू पास आउट की उद ही मैं कोचिंग ही दिता सी। हाँ जी। सो सिंगिंग का सफर कितना चल रहा है? सिंगिंग का सफर बहुत वधिया चल रहा है जी, वाहेगुरू जी की मेहर है। और आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड सारे प्यार देंगे ने और अगे भी एवं मिलता रहे। गुरनजर भी जिदा कह लिए ना बड़ी घेंट लोग अज फिल्मों बारे की विचार आने का जेनवनली दसा, मैं मूवीज तो ज्यादा ना हजे भी म्यूजिक वाल बहुत कंसंट्रेशन कर रखना अपनी, मतलब ऐदा नहीं का कि मेरा दिल नहीं है, बट मैनू ये लगता हूँ कि हजे जो मैनू लगता ना कि जो लैवल तक मैनू जाना चाहिए गाणे नू लैके या म्यूजिक नू लैके, एक बार उत्थे पहुंच जाओ उदू बाद जरूर करूँगा। क्योंकि मैनू ऐ लगदा कि विच विचाले दा काम ना मैं करा कि इधर और उधर फिर डामाडोल हुंदी रहे गड्डी। मैनू ये कि हजे मैं म्यूजिक ते फोकस करा, क्योंकि मेरा मूवीज तो ज्यादा इंटरेस्ट है शोज बनाने च। मैं पिछले साल एक शो बनाया सी क्रॉस ब्लेड, और हजे भी मैं एक अगला शो बना रहा अपना, तो उधर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब हुण तां कह लई वी बॉलीवुड दे विच वी चक्कर लग आया तुहाडा, की लगदा कि उत्थे उत्थे दे ते इत्थे दा म्यूजिक दा किन्ना फर्क है? भाजी जेनुअनली दसा, अपने गाने भी मैं अपने घर बह के बनाना, मैं उत्थे वाला गाना भी अपने घर बह के बनाया। तो मैनूं इह लगदा हुंदा कि इंडस्ट्री कोई भी है सारे सेम ने, जे थोड़ा काम वधिया तो थोनू सारे एप्रीशिएट करेंगे। पहला हुंदा सी ना कि आपां नू जाके उत्थे स्ट्रगल करना पैना है, इदां होएगा उदां होएगा ना। मैनू इह लगदा हुंदा तुसीं कितें भी बह के अपना काम इमानदारी नाल करदे हो ना तां थोनू बंदे लभ लैंदे आ। बिल्कुल गुरनजर, जिद्दां वीरे तुसीं काम बारे गल कीती है ना, हर बंदे दी इही तमन्ना हुंदी है वी बॉलीवुड दे विच जावां, साफ पंजाबी तो शुरू हुंदा वी बॉलीवुड दे विच जावां। थोड़ी भी इही तमन्ना रही सीगी, मतलब इह इच्छा क्यों जागदी वी उत्थे जाणा, वी पंजाबी इंडस्ट्री अपनी ओह लैवल दी नहीं हैगी? नहीं नहीं, इह तां मैं कदे कह ही नहीं। नहीं नहीं, मैं उदां नहीं गल करदा, मैं हर बंदे दी इच्छा हो जांदी ना कि वी बॉलीवुड जाइए बॉम्बे जाइए। भाजी मैं तुहानूं इक उहदी वजह दस सकदा, क्योंकि आपां निक्के हुंदे तो बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखियां, सारिआं ने देखियां, ते जो चीज़ बच्चा कोई भी जवाक बचपन च वध चीज़ देखदा उहदे वल वध इन्फलुएंस हुंदा। इदां नहीं गा कि अपने वाले बंदिआं दा दिल नहीं करदा होणा हिंदी इंग्लिश मूवीज़ च काम करन दा, अपने बंदे कर भी रहे काम। मतलब जिहड़ा बंदा जिस चीज़ तों वध इन्फलुएंस्ड है, क्योंकि मैं हरियाणे रहा ते और जब आप निक्के सीगे तां उदों पंजाबी फिल्मां इन्नियां ग्रैंड नहीं सी हुंदियां जिन्ना बॉलीवुड मूवीज़ हुंदियां सीगियां, ते इस करके वो प्रसैप्शन बनी हुई है आई थिंक सारिआं दी। बट अदरवाइज़ हुण जे तुसीं अज दी डेट च आप देखिए तां बिजनेस वाइज या किनिया पंजाबी फिल्मों ने हिंदी फिल्मों नालों वध बिजनेस किया हूँ, है ना करण, तो हूँ नहीं फर्क लगता। हूँ यह हों कि यार गाना आवे ना तो सारे सुन लैन, भावें आप दे यूट्यूब का ही होवे, हूँ इन्ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता कि सपना नहीं रह गया कि उही होएगा तो अपना काम चले नहीं था। बिल्कुल, जिद्दां कि तुसीं बड़े थोड़े समय च एक वड्डा मुकाम हासिल किया, हर बंदे दी इच्छा हुंदी आ, तुसीं बहुत जल्दी उत्थे मुकाम ते पहुंच गए, किवें दा लग रहा है? स्ट्रगल दे टाइम दी गल करिए। नहीं नहीं भाजी, वधिया लगदा जी, एप्रीशिएट कोई थोड़े काम नूं करदा। मैनूं तां आ के तीन बंदे भी कह देण कि थोड़े शो ते ऐसी मज़ा आया, मैनूं तां ओह वी बहुत खुशी दिंदा अज वी। और मैनूं इह लगदा कि थोनू शुकर करना चाहिए, हर रोज़ उठे का भी शुकर करना चाहिए, तो गाने फिल्म चाहिए या सारे तक पहुँचे वो तो बहुत वड्डी गल है। जिद्दां भी तुसीं लाइव दे विच बहुत यकीन रखते हो ना, तुसीं ज़्यादातर लाइव ही प्रोग्राम करते होंगे, ये की कारण है? ये मतलब ज़्यादा मेहनत आ जा इंस्ट्रूमेंट दे नाल जुड़े हुए हो? नहीं नहीं, इदा नहीं भाजी, एक्चुअली मैं शुरू ही लाइव शोज़ तो किया सीगा, मेरे गाने बहुत बाद आने शुरू हुए, तो ये रीज़न है कि हजे भी मेरे लाइव शोज़ वध हुंदे आ, क्योंकि मैनू ये लगता हुंदा कि लाइव शोज़ का गाने नाल कोई लेन देन नहीं, गाने थोड़ा सिर्फ लैवल अप करते हैं, बट जो लाइव प्रोग्राम करन वाले अज भी बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हों का एक भी गाना रिलीज़ नहीं, एंड दे चार्ज अलॉट, वो बहुत पैसे लेके शोज़ करते हैं, तो लाइव बिजनेस आई थिंक टोटली अलग चीज़ है। तो मेरा इंटरस्ट इस करके वध है क्योंकि मेरा इंडस्ट्री कोई लिंक तो है नहीं सी, मैं क्लब से परफॉर्म करना शुरू किया, अज भी मेरा इंटरस्ट फिर शोज़ वाल वध है।
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਜੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਬਿਗਨਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਐਨੀ ਵੇਅਰ, ਜਸਟ ਗੋ ਐਂਡ ਪਰਫੋਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਈ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਨਾਥ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, जे तू मेरी ना होई मेरे यारा। मैं सामा तेरे नाम कितिया, मैं सालन छड़ जाऊंगा, जे तू मेरी ना होई मेरे यारा। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਨੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰੁੱਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਕੋ ਆਪਕਾ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਰੁੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੁੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਸੇ ਭਾਜੀ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਲੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜਾਦੂ ਆ, ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਿਟਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੇਖ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੇਸ਼ਨ।